नमस्ते एंड वेलकम टू campuswire.com। आई एम साक्षी जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर के BAMS बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम के बारे में। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एस्टैब्लिश्ड इन 1996, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। Talking about accreditation, it is recognized by Institute of Medical Science and approved by UGC. Moving on to courses and fee structure, ये offer करता है Bachelors of Ayurvedic Medicines and Surgery and course की fees है 14,580 rupees per year and course duration है 5.5 years. Admission process और eligibility की बात करें तो candidate must have passed class 12th from a recognized board with minimum 50% aggregate in physics, chemistry, biology along with English as a subject. Qualifying exam है NEET, COMET K and Karnataka CET. प्लेसमेंट की बात की जाए तो मीडियम पैकेज है अराउंड 5 लाख पर एनम का एंड एवरेज पैकेज है अराउंड 3.5 लाख पर एनम का। काफी सारे हॉस्पिटल्स कैंपस विजिट करते हैं और बच्चों को इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेटेड है बैंगलोर में। इट इज 8.8 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड 42.1 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। आप लोग यहाँ पे कैब्स, टैक्सीज, ऑटोज और बसेस के थ्रू पहुंच सकते हैं। Now let's discuss about infrastructure and facilities. Campus आपको provide कराता है library, well equipped labs, cafeteria, sports complex, gym, auditorium and medical facilities are also available. Hostel facilities are also available for both boys and girls. तो आज मैंने इस वीडियो में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के BAMS प्रोग्राम के बारे में सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने की कोशिश की है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।